हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंटमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं नींबू और नींबू वर्गीय फसलों के कीट और उनके प्रबंधन के बारे में। गाइस, नींबू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फल वाली फसल है, जिसका उपयोग अचार बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जो नींबू होता है वो उसमें विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नींबू वर्गीय जो फसल होते हैं, कई प्रकार के कीट व्याधियों द्वारा संक्रमित होते हैं, जिनमें से मुख्य हैं फ्रूट सकिंग मॉथ, सिट्रस बटरफ्लाई, सिट्रस सैलेड और सिट्रस ब्लैक फ्लाई। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट सकिंग मॉथ के बारे में। गाइस, फ्रूट सकिंग मॉथ ऑर्थरिस मैटरना मोस्ट कॉमन फ्रूट सकिंग मॉथ है। फ्रूट सकिंग मॉथ के और भी दो स्पीसीज हैं, जो है ऑर्थरिस एंजिला और ऑर्थरिस फेलोनिका। ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली नॉक्टुरिया के मेंबर्स होते हैं। इनके जो एडल्ट मॉथ होते हैं, उनके शरीर का रंग, बॉडी कलर जो होता है ब्राउन होता है, जिसमें ऑरेंज कलर ब्राउन से लेके ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। इनके जो फोर विंग्स होते हैं, डार्क ग्रे कलर के होते हैं, जिन पे वाइट पैचेस बने हुए होते हैं, जबकि हाइंड विंग्स ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, जिन पे ब्लैक कलर के पैचेस बने होते हैं, ब्लैक कलर के पट्टियाँ बनी होती हैं। जो ऑर्थरिस एंसिला के एडल्ट होते हैं, उनके फोर विंग डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जिन पे क्लियर ग्रीन पैचेस होते हैं, ग्रीन कलर के पैचेस आसानी से देखे जा सकते हैं। जबकि ऑर्थरिस मैटरना के जो पंख होते हैं, उनमें वाइट कलर के पट्टियाँ होती हैं। इनके डैमेजिंग सिम्टम्स जो है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये इंसेक्ट किसी फ्रूट पे अगर अटैक करते हैं, तो सबसे पहले फ्रूट समय से पहले ही पीला हो जाता है। दैट मीन्स पीला फ्रूट के पकने पे पीला होता है, बट इस पेस्ट के अटैक होने पे समय से पहले ही अनराइव्ड कंडीशन में ही फ्रूट येलो कलर का हो जाता है। दिस इज ओनली ग्रुप वेयर द एडल्ट मोथ आर हार्मफुल एंड डैमेज द सिट्रस फ्रूट। ये जो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के, ये एक मेंबर हैं जो कि एडल्ट होने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इनके जो लार्वे होते हैं वो हार्म नहीं पहुंचाते, वो हार्मफुल नहीं होते। जबकि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा की बाकी जो सारे पेस्ट होते हैं, सारे इंसेक्ट होते हैं, उनमें एडल्ट हार्मफुल नहीं होते, जो लार्वे होते हैं वही हार्मफुल होते हैं, जबकि इस पेस्ट की कंडीशन में एडल्ट हार्मफुल होते हैं, लार्वे हार्मफुल नहीं होते। मोथ जो होते हैं, ये पके हुए फल पे या कच्चे, मोस्टली पके हुए फल पे ही अपना प्रोबोसिस को चुभा के जो फ्रूट जूस है उसको चूसते हैं। द फीडिंग इंजरी ओपन्स वे फॉर इन्वेशन ऑफ बैक्टीरिया विच मेक्स द फ्रूट रॉट अराउंड द पंक्चर्स एंड ड्रॉप प्री मेच्योरली। इनकी वजह से जो फ्रूट होता है, बैक्टीरिया, फंगस और अदर पैथोजेंस से अफेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर कंडीशन में फ्रूट प्लांट से ड्रॉप हो जाता है। एकिया जनाटा मोथ जो है, ये भी फ्रूट से फ्रूट जूस को सक करता है, बट ये जो एकिया जनाटा है वो इससे कम ही, मतलब एके जनाटा से जो होने वाला हार्म है वो कम होता है। एके जनाटा जो है वो कैस्टर सेमलुपर को, कैस्टर सेमलुपर का साइंटिफिक नेम है एके जनाटा। द डैमेज रिजल्ट प्री मेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स रोटिंग एट द साइट ऑफ फीडिंग इंजरी। एके जनाटा का भी सेम सिम्टम्स दिखाई देता है। कैटरपिलर ऑफ दिस आर लीफ फोलिएटर ऑन वीड होस्ट। ये जो इंसेक्ट होते हैं सिट्रस फ्रूट सकिंग मॉथ, इसके जो लार्वे होते हैं वो डिफोलिएटर होते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ वीड को ही, वीड पे ही अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, वीड पे ही ये होस्ट होकर, वीड होस्ट पे ही ये फीड करते हैं। वीड होस्ट जस्ट लाइक टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया या कॉकुलस पेंडुलस या कॉकुलस हिर्सुटस, ये जो प्लांट हैं इन पे ही ये जो इनके लार्वे फीड करते हैं।
इनके सिर्फ और सिर्फ एडल्ट ही हमारे क्रॉप को, सिट्रस को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो ये इंसेक्ट्स लगभग 45 से 60 दिन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एग्स आर लेड सिंगली ऑन टेंडर पार्ट ऑफ द वाइल्ड फॉलीज। वाइल्ड फॉलीज घास के ऊपर या फिर वीट प्लांट्स के टेंडर पार्ट्स पे अपने अंडे, सिंगली अंडे छोड़ते हैं। एग का हैचिंग पीरियड 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन के बाद में इनके एग का हैचिंग हो जाता है और जो कैटरपिलर होते हैं वो सेमीलुपर होते हैं। वो लूप करते हुए प्लांट्स पे जो वीड्स होते हैं उन पे फीड करते हैं। जो लार्वल पीरियड होता है वो 13 से 17 दिन का हो सकता है। विंटर के समय में इनका जो लार्वल पीरियड है 25 से 30 दिन का भी हो सकता है। प्यूपेशन इज इनसाइड द लीफ फोल्ड एंड प्यूपल पीरियड इज अबाउट 12 to 18 days। ये जो इंसेक्ट होते हैं एडल्ट होने से पहले प्यूपा बनाने के लिए पत्तियों को मोड़ते हैं, सिल्कन कोकून बनाते हैं और लगभग 12 से 18 दिन के लिए ये प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका जो एडल्ट पीरियड होता है लगभग 5 से 7 दिन का होता है। इस स्टेज में ये अलग अलग पौधों पे सिंगली अंडे देते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रक्शन ऑफ वीट फाउंड अराउंड ऑर्चर्ड, हमारे जो फील्ड होते हैं, फील्ड एरियाज ऑर्चर्ड होते हैं, जो बागान होते हैं उसके चारों तरफ से वीट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रोटन एंड ड्रॉप्ड फूड, रोटन और ड्रॉप्ड फूड को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि उसमें हो सकता है ये इंसेक्ट अपने अंडे भी छोड़े हों। एडल्ट आर हाईली फोटोट्रॉपिक, 1% लाइट पर हेक्टेयर 1 month बिफोर फ्रूट मैच्योरिंग बिटवीन 7 PM to 6 AM, बिलो विच पॉइजन बेट विथ शुगर सॉल्यूशन 1% प्लस फ्रूट पल्प प्लस मेलाथियन 1 ML शुड बी प्लेस्ड। ये इंसेक्ट जो है इनके लिए हम लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं और पॉइजन बेट का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइजन बेट के लिए हम 1% शुगर सॉल्यूशन विथ 1% फ्रूट पल्प प्लस मेलाथियॉन 1 ML हम यूज़ कर सकते हैं। बैगिंग ऑफ फ्रूट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेजर फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट। बैगिंग करने से इस बहुत सारे पेस्ट से बचा जा सकता है। इसके अलावा हमें ऑर्चर्ड में स्मोक करना चाहिए। स्मोक से ये जो इंसेक्ट्स होते हैं काफ़ी दूर भागते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्लीन कल्टीवेशन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इंसेक्ट इज सिट्रस बटरफ्लाई, पेपिलियो डेमोलियस या फिर पेपिलियो पोलाइट्स। पेपिलियो हेलेनस इज ऑल्सो आई स्पीसीज विच इज फाउंड इन इंडिया। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है। सिट्रस जो बटरफ्लाई हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सिट्रस को डैमेज करने वाले पेस्ट में से एक हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं दिस आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ सिट्रस सीडलिंग। ये सिट्रस के सीडलिंग कंडीशन में बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ सीडलिंग कंडीशन में ही नहीं बल्कि मेच्योर प्लांट को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दिस पेस्ट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इन्फेस्ट ऑल्सो ऑल सिट्रस वेराइटीज थ्रू माल्टा। माल्टा सिट्रस साइनेंसिस जो है इनका मेन होस्ट है। सिट्रस साइनेंसिस माल्टा पे ये मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, इसीलिए हमें लेमन या फिर अदर सिट्रस का जब हम फार्मिंग करते हैं तो हम सिट्रस साइनेंसिस माल्टा को हम अवॉइड करते हैं। इट कैन फीड द ब्रीड ऑन ऑल वेराइटीज ऑफ कल्टिवेटेड और वाइल्ड सिट्रस।
ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये वाइल्ड और कल्टिवेटेड हर प्रकार के वैरायटी पे फीड करते हैं। उसके अलावा फैमिली रुटेसी के अदर मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करते हैं। बिसाइड सिट्रस इज ऑल्सो अटैक्स ऑन बेर, वुड एप्पल, करी लीफ एट्सेट्रा। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पॉलीफेगस नेचर के होते हैं, ये वीड्स पे भी अल्टरनेट होस्ट के रूप में रह सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ डैमेज। फ्रेशली हैच कैटरपिलर आर डार्क ब्राउन एंड सून डेवलप इरेगुलर वाइट मार्किंग ऑन देयर बॉडी रिसेम्बलिंग बर्ड्स ड्रॉप। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये न्यूली हैच कैटरपिलर जो होते हैं ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जिन पे इरेगुलर वाइट मार्किंग्स होते हैं जो कि बर्ड्स ड्रॉप की तरह दिखाई देते हैं। बर्ड्स ड्रॉप दैट मीन्स पक्षियों के बीट की तरह दिखाई देते हैं। द कैटरपिलर फीड वॉयसलेसली ऑन टेंडर लिप्स राइट अप टू द मिड रिब। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ये खाते हुए आते हैं और पूरी पत्तियों को खा जाते हैं। प्राइमरी स्टेज में ये इंसेक्ट पत्तियों को किनारे से खाना स्टार्ट करते हैं। सीवियर कंडीशन में पूरी पत्तियों को ही ये डिफोलिएट कर देते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है 25 से 100 दिन में कंप्लीट हो पाता है। ये काफ़ी बड़े लार्ज साइज मौत होते हैं इनके जो सॉरी ये इन लार्ज साइज बटरफ्लाई होते हैं। इनका जो साइज है विंग स्पैन के साथ में 3 से 5 सेंटीमीटर तक ये चौड़े हो सकते हैं। एडल्ट मौत जो है 2 से 6 दिन तक जिंदा रहते हैं अपने पूरे जीवन काल में। ये सिंगल सिंगल लगभग 100 से 250 अंडे तक दे सकते हैं। एक पीरियड जो होता है 3 से 6 दिन का होता है। लार्वल पीरियड 15 से 16 दिन का होता है और पेपर पीरियड 10 से 25 दिन का हो सकता है। एक और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके लाइफ साइकिल में जो ड्यूरेशन है एडल्ट का, एग का, लार्वा का, प्यूपा का, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्लीन कल्टीवेशन यूज़ करना चाहिए। हम लार्वी का हैंड पिकिंग करके उसे मैनुअली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेचुरल एनिमीज जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा, टेरिनोमस या फिर कुछ लार्वल पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ब्रैकोनिड्स एट्सेट्रा का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनको फील्ड में हम मास रिलीज भी कर सकते हैं जो कि इनके लिए काफ़ी इनके मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफास 1.6 ml पर लीटर के दर से हमें घोल बना के प्लांट पे फोलियट स्प्रे करनी चाहिए। उसके अलावा डाइक्लोरवास 1 ml पर लीटर और मेथाइल पैराथियॉन 2 ml पर लीटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। आइज नेक्स्ट इंसेक्ट इज सिट्रस ब्लैक फ्लाई। सिट्रस ब्लैक फ्लाई इज ऑल्सो अ मेजर पेस्ट ऑफ सिट्रस विच इज अ सकिंग पेस्ट। सिट्रस ब्लैक फ्लाई, एलोरोकैंथस वोग्लूमी। ये जो इंसेक्ट होते हैं एलोरोकैंथस वोग्लूमी ये ऑर्डर हेमिप्टेरा फैमिली एलोरोडिडी के मेंबर्स होते हैं जो कि सकिंग पेस्ट हैं। ये इंसेक्ट वाइट फ्लाई के समान ही होते हैं बट ये ब्लैक कलर्ड होते हैं। इनका मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल। इनका जो एग होता है येलोइस ब्राउन कलर के होते हैं, ओवल शेप्ड, लेड स्पायरली। एक पीरियड जो होते हैं 7 से 14 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। निम्फ जो है स्केल इंसेक्ट के समान दिखाई देते हैं और पूरी तरह से ब्लैक कलर के इनके निम्फ होते हैं। निम्फ से एडल्ट बनने में इनको 40 से 60 दिन का समय लग सकता है। इनका जो एडल्ट पीरियड है लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से इनकी जो लाइफ साइकिल है लगभग 50 से 75 दिन में कंप्लीट होता है। डैमेजिंग सिम्टम्स। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सकिंग पेस्ट होते हैं। इनके द्वारा आक्रमण किए जाने पे जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पूरी तरह से कर्ल हो जाते हैं और मोटल्ड हो जाते हैं। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये
हनी ड्यू सीक्रेट करते हैं, जिस कारण से शूटी शूटी मॉल्ड जो है फंगस को इनवाइट कर सकते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए हमें क्लोज प्लांटिंग को अवॉइड करनी चाहिए। वाटर लॉगिंग और स्ट्रेस कंडीशन इज ऑल्सो अवॉइडेबल। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वाटर लॉक कंडीशन और स्ट्रेस कंडीशन, दोनों कंडीशन में बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में प्लांट बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से प्लांट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। कुछ इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड, फिश ऑयल रेजिन सॉप या फिर क्विनॉल फॉस 25 EC 2.0 लीटर पर हेक्टेयर की दर से हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हैं, जस्ट लाइक मेथाइल डेमेटोन, एथियन या ट्राइजोफॉस, मोनोक्रोटोफॉस एट्सेट्रा, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज एशियन सिट्रस सैलेड। एशियन सिट्रस सैलेड जो है ये भी सिट्रस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट होता है। ये सकिंग पेस्ट होता है, साइंटिफिक नेम डायफोर्निया सिट्राई। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं और हेमिप्टेरा के इंसेक्ट्स होते हैं जो कि सकिंग पेस्ट हैं। ये इंडिया के अलावा अफगानिस्तान, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मेक्सिको, श्रीलंका इत्यादि देशों में पाए जाते हैं। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो इनके एक होते हैं वो ब्राइट येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, आमंड शेप्ड एग होते हैं जो कि सोर्स के टिप पे, जो फीमेल होती है सोर्स के टिप पे सिंगल सिंगल अंडे देती है। द नंबर ऑफ लेइंग एग्स डिपेंड्स अपन होस्ट प्लांट। द एग्स हैच्ड इन अबाउट 4 to 7 days। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके एक 4 से 7 दिन में हैच्ड हो जाते हैं। द निम्फ आर फ्लैट लाउस लाइक एंड ऑरेंज येलो। जो इनके निम्फ होते हैं ये फ्लैट होते हैं जुएं के समान, जो ऑरेंज कलर के होते हैं। एडल्ट जो होते हैं ब्राउनिश कलर के होते हैं और ये लगभग 2 माह तक जिंदा रहते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 60 से 90 दिन तक चलता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं देखा जा सकता है कैसे दिखाई देते हैं स्क्रीन पे। इनका जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लंबा समय तक चलता है। जो एडल्टली 500 अबाउट 500 आमंड शेप्ड ऑरेंज एंड स्टॉक एग्स ऑन टेंडर लीव्स एंड सूट्स ऑफ सिट्रस ट्री। सिट्रस ट्री के ऊपर ये अंडे देती हैं। द एग्स आर लाइट आइदर सिंगली और इन ग्रुप विच हैच इन 1 week इन द समर। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके जो एग होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया लगभग 7 दिन में इनका हैचिंग होता है। ये सिंगलली भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप में भी अंडे हो सकते हैं। देयर आर 5 निम्फल स्टेज। इनके निम्फल स्टेज में 5 इंस्टार्स होते हैं जिसको कंप्लीट होने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। फुली ग्रोन जो निम्फ होते हैं वो लोअर सर्फेक्स से मूव करते हैं और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका 1 साल में लगभग 8 से 9 ओवरलैपिंग जनरेशन हो सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल 2 से 3 माह में कंप्लीट होता है। उसके बाद भी ये लगभग 8 से 9 ओवरलैपिंग जनरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि समर में इनका जो लाइफ साइकिल है बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका एडल्ट 500 तक अंडे दे सकते हैं। हैच इन 1 week, 5 निम्फल स्टार कंप्लीट इन 2 weeks और फुली एडल्ट जो फुली ग्रोन एडल्ट होते हैं वो लगभग 60 दिन तक जिंदा रहते हैं। इनका जो डैमेजिंग सिम्टम्स होते हैं ये सकिंग पेस्ट होने के कारण प्लांट के टेंडर पार्ट से सेल्स आपको शक करते हैं, जिस वजह से प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं और
प्लांट्स का ग्रोथ रुक जाता है। ये इनके द्वारा बहुत सारे वायरल डिसीज भी फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं सभी पेस्ट होते हैं, वायरल डिसीज के वेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। इनके कंट्रोल के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, हम इनके प्रीडेटर जस्ट लाइक लेडी बर्ड बीटल का यूज़ कर सकते हैं, और लेस विंग इनके लेडी बर्ड बीटल या फिर लेस विंग जो है इनके नेचुरल इनिमीज हैं, जिनका हम मास मल्टीप्लिकेशन कर मास रिलीज करके इनका कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम इमिडाक्लोपीड या फिर मैलाथियन जैसे इंसेक्टिसाइड का हम यूज़ कर सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल के लिए हैंड पिकिंग, बट हैंड पिकिंग इज़ नॉट अ सूटेबल मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट। आज के लिए गाइस बस इतना ही, थैंक यू।